संत सरल चित जगत हित जानी सुभाव सनेहु बाल विनय सुनि कर कृपा राम चरण रति देहु। संत जो सरल हृदय एवं जगत का कल्याण करने वाले होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को देखकर मैं उनसे विनती करता हूँ, मेरी इस बाल विनय को सुनकर मुझ पर कृपा करें एवं श्री राम जी के चरणों में मुझे रति दें, मुझे प्रीति दें। बहुरी बंद खल गन सति भाए जे बिनु काज दाहिने हु बाए परहित हानि लाभ जिन केरे उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अर्थात अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है और जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरि हर जस राकेश राहु से पर अकाज भट सहस बाहु से जे पर दोष लखहि सह साखी परहित घृत जिन्ह के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी चंद्रमा पर भी राहु के समान है, अर्थात ऐसे दुष्ट मनुष्य जो जहां कहीं भी भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता हो उसमें वह बाधा डालते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जिनसे कुछ नहीं होता केवल और केवल दूसरों की बुराइयां आप करा लें। ऐसे लोग जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से भी देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी को मक्खी की भांति अपने प्राणों का बलिदान करके भी उस घी को खराब करने में इन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है। तेज कृसानुरोष महिशेषा अघ अवगुण धन धनी धनेसा उदय केत समहित सब ही के कुंभकरण सम सोवतनी के। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु अर्थात पुच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण के समान सोते रहने में ही जगत की भलाई है। पर अकाज लगी तनु परिहरही जिमि हिम उपल कृषि दल गरही बंदौ खल जस शेष सरोषा सहस बदन बरनई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए ये लोग अपना शरीर तक त्याग देते हैं। मैं ऐसे दुष्टों को सहस्त्र मुख वाले शेष नाग जी समान समझकर प्रणाम करता हूँ जो पराये दोषों का सहस्त्र मुखों से वर्णन करने में प्रसन्नता पाते हैं। पुनि प्रणवाऊ पृथुराज समाना पर अघ सुनई सहस दस काना बहुरी सक्र सम बिनवाऊ ते ही संतत सुरा नीक हित जे ही। पुनः उनको राजा पृथु जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कानों का वर मांगा था, उनके समान जानकर मैं प्रणाम करता हूँ जो 10,000 कानों से दूसरों की बुराई दूसरों के पापों को सुनते हैं। पुनः मैं ऐसे दुष्टों को इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ जिन्हें सुरा हितकारी मालूम होती है, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे सुरा अर्थात देवताओं की सेना इंद्र के लिए हितकारी है। बचन वज्र जही सदा प्यारा सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा ही प्यारा लगता है और जो सहस्त्र आंखों से भी दूसरों के दोषों को ही निहारते हैं। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीति जानी पानी जुग जोरी जन बिनती करहि सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र
किसी का भी हित होते हुए सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। वह किसी और का हित होते हुए सुनकर ही जलने लगते हैं। दुष्टों का यह गुण समझकर बाबा कहते हैं कि मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूं। मैं अपनी दिस कीन्ह निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाओ बभोरा। बायस पलिहीं अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहूं की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कब नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु क्या वे कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? और अब ये चौपाई ये कितनी प्रामाणिक और रिलेवेंट है। बंदों संत असज्जन चरणा, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। अर्थात दोनों ही दुखप्रद हैं, लेकिन एक बीच में कोई अंतर है। बंदों संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहीं, मिलत एक दुख दारुण देहीं। अर्थात मैं संत एवं असज्जन दुष्टों दोनों की ही चरण वंदना करता हूं। दोनों में कुछ अंतर कहा गया है। अंतर यह है, इनमें से एक का बिछड़ना आपको प्राण हर लेने जैसा कष्ट देता है। अर्थात जो संत हैं, उनसे बिछड़ने का कष्ट भी बहुत दुखप्रद होता है। और जो दूसरे तरफ जो दुष्ट हैं, उनके मिलते ही आपके दुख दारुण शुरू हो जाते हैं। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिम गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। अर्थात दोनों ही साधु एवं असज्जन दोनों ही एक साथ एक ही जगत में पैदा होते हैं, बिल्कुल उसी भांति जैसे कमल और जोंक दोनों एक ही तालाब में पैदा होते हैं। जोंक एक रक्त चूसने वाला कीड़ा जो पानी में पाया जाता है, कीचड़ में पाया जाता है, और कमल, कमल भी कीचड़ में ही खिलता है। आगे बाबा कहते हैं, सुधा सुरा सम साधु असाधु। सुधा अर्थात अमृत और सुरा अर्थात मदिरा। तो साधु भी सुधा के समान अमृत रूपी प्रसाद को बांटकर आपको मृत्यु जगत से मुक्ति दिलाने वाला होता है। वहीं असाधु अर्थात मदिरा के समान असज्जन पुरुष आपको मोह में और डुबाने वाले, आपके पतन के रास्ते पर ले जाने वाले होते हैं। परंतु जिस प्रकार सुधा एवं सुरा दोनों ही समुद्र मंथन के समय में एक साथ एक ही समुद्र से निकले थे, उसी प्रकार यह साधु एवं असाधु पुरुष भी एक ही समाज में एक ही जगत में उत्पन्न होते हैं। भल अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की प्राप्ति करते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा नदी, और हिंसा करने वाला व्याध, इन सभी के गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। अर्थात बाबा कह रहे हैं कि हर मनुष्य की अपनी एक प्रकृति होती है, और वह अपने स्वयं की प्रकृति के अनुसार बाह्य चीजों का, बाह्य पदार्थों का चयन करता है। अब वह भले आपका एक पूरा इकोसिस्टम हो, लोग हो, किस प्रकार के व्यक्तियों के साथ आपकी मित्रता होगी, किस भांति की वस्तुएं आपको पसंद आती हैं, कैसा खान पीना है आपका, वह सभी कुछ आपकी स्वयं की प्रकृति पर निर्भर करता है। और यहाँ पर एक और बात पर मैं थोड़ा स्ट्रेस करना चाहूंगी कि ये यही कारण है कि
आपको कभी भी, जो भी आजकल तो स्यूडो हिंदू काफी है, पर जो एक्चुअल हिंदू परिवार है वहां आपको कोई फोर्स नहीं करता है। जैसे कुछ घरों में आपने देखा होगा कि टैक्टिकली आपको कन्विंस करने का पूरा ट्राई किया जाता है कि ये करो, तो नहीं, जो थोड़े धार्मिक परिवार हैं वहां कभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उन्हें यह ज्ञान है कि आपको एम्पावर करना है, बच्चों को घर में एम्पावर करना है ताकि वो अपने डिसीजन खुद ले सकें, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है इसका चयन वे स्वयं कर सकें। तो जहां पर धर्म का अभाव है वहां आप ये जरूर पाएंगे कि तरह तरह के इमोशनल ब्लैकमेल और कन्विंसिंग सारे टैक्टिक्स चलते हैं। एंड आई टेल यू, ये कॉर्पोरेट्स में बहुत होता है, पर ये कॉर्पोरेट टैक्टिक है। आप अपने अपने आसपास के लोगों पर ये कॉर्पोरेट टैक्टिक्स ना यूज करें, इससे किसी का हित नहीं होता है, किसी भी मनुष्य की नियति से आप उसको दूर नहीं रख सकते हैं। और मैं इस पर स्ट्रेस करना इसलिए जरूरी समझती हूँ क्योंकि आज के समय में हिंदू फैमिलीज भी ये बात भूल चुके हैं। उनको लगता है कि अगर उन्हें लगता है कि तुम्हें कोई काम करना चाहिए तो तुम्हें करना चाहिए, खत्म बात। वो तुम्हारी लाइफ के भी डिसीजन तुम पर थोप देंगे, और ये हमारे समाज की बुराई नहीं है। हमें ये समझना बहुत जरूरी है इस समय कि हमने हिंदू समाज में ऐसी ऐसी बुराइयां जकड़ कर हम बैठ गए हैं जो हमारे समाज में कभी थी नहीं। वी नीड टू गेट रिड ऑफ दोज, और वहीं हमारा, हमारे साहित्य, हमारे ग्रंथ हमारे काम आते हैं यदि हम इनको पढ़ना फिर से शुरू करें, इनको जीना शुरू कर दें, तो हमारे समाज की काफी सारी इस समय की ऐसी बुराइयां हैं जो वापस धुल जाएंगी। अब जैसे कि एक और उदाहरण मेरे मन में आता है, ये नहीं कहती हूँ कि आप माता पिता की बात मत मानिए, लेकिन हमारे ग्रंथों में या हमारे राम जी का भी आप एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आज्ञा सुन श्री राम वन को चल दिए। वो आज्ञा उन्होंने सुनी, उनको पहली बात किसी ने आज्ञा नहीं दी थी कि तुम जाओ, अपना विचार कैकेयी माता ने व्यक्त किया था। महाराज दशरथ ने ये उनको कभी श्री राम को कहा नहीं था कि आप वन जाइए, वह इसी उधेड़ बुन में ही थे और उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया, पर उन्होंने यह आज्ञा कभी नहीं दी थी। हाँ, उनकी इच्छा सुनने के बाद श्री राम ने इसको अपने अपनी विचारधारा के अनुरूप इसके बारे में चिंतन मनन किया, और उन्हें जब यह लगा कि हमें ये करना चाहिए तब श्री राम वन को गए। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो कह रहे हैं शायद वो गलत हो, शायद वो आपके लिए सही नहीं हो, है ना। हर चीज, देयर इज नो वन साइज फिट सॉल्यूशन फॉर ऑल, तो ऐसा नहीं है कि हर चीज हर किसी के लिए सही है। इसीलिए हमेशा आपको अपनी बुद्धि पर हर चीज को सोचना चाहिए, तोलना चाहिए और तब कोई काम करना चाहिए। इसी तरह श्री कृष्ण को भी जब वे मथुरा जा रहे थे गोकुल छोड़कर, तो क्या उनके माता पिता ने उनको नहीं रोका था? उनके माता पिता ने भी उनको रोका था, पर उस समय श्री कृष्ण को लगा कि नहीं, मथुरा जाना आवश्यक है, वही उनकी नियति है, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानी। तो आप कभी भी कोई भी चीज विदाउट कॉन्टेक्स्ट स्टेट नहीं कर सकते कि नहीं ये रूल है, माता पिता ने जो कह दिया आंख बंद करके उसको फॉलो करना है, या माता पिता ने जो कहा उसको नहीं फॉलो करना है, ये भी रूल नहीं है। द आइडिया इज टू एनालाइज एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली एंड देन मेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड बी फर्म ऑन इट। This is how you make a decision. अच्छा, अब वापस आते हैं मानस की ओर। भलो भलाई ही पै लहई, लहई निचाई हु नीच, सुधा सराही अमरता, गरल सराही अनीच। भला भलाई की ही सराहना करता है, भलाई को ही ग्रहण करता है, और नीच नीचता को। अमृत की सराहना अमर करने में होती है, वहीं जो विष है उसकी सराहना उसके मारक क्षमता में होती है। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, ते ही ते कछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने।
दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार हैं। इसी से कुछ गुण और कुछ दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग दोनों ही नहीं किया जा सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, गन गुण दोष बेद बिलगाए, कहा ही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए, पर गुण और दोषों का विचार करके वेदों ने उन्हें अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास एवं पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी की यह सृष्टि गुण और अवगुण दोनों से सनी हुई है, दोनों से ही ओतप्रोत है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राती, साधु असाधु सुजात कुजाती, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहुर मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्छ अलच्छ रंक अवनीसा, काशी मग सुर सरि कर्म नासा, मरु मारव महि देव गवासा, सरग नरक अनुराग बिरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन मृत्यु, माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंग राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य। वेद शास्त्रों ने इन सभी के गुण दोषों का वर्णन किया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारि विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर दुग्ध का ही पान करता है। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुनह मनुराता, काल सुभाव करम बरियाई, भले उ प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार हंस के समान जब आपको विवेक देता है, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरि जन जिमि लेहीं, दल दुख दोष बिमल जसु देहीं, खलौ करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन सुभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे ही कालवश की हुई चूक को भी सुधार कर अपने दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संगति पाकर कुछ भलाई कर लेते हैं, लेकिन इससे भी उनका मलिन स्वभाव कभी भंग नहीं होता है, अर्थात वह अपने स्वभाव को फिर भी नहीं छोड़ते हैं। तो ये चौपाई हमको ये सिखाती है कि हमको दुष्टों के साथ सतर्कता कभी नहीं छोड़नी है, भले उन्होंने एक दो अच्छे काम भी कर लिए क्यों न हो। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियहु तेहु, उघरहि अंत न हो ही निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। जो भेषधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा अर्थात साधु समान वेश बनाए देखकर उनके वेश के प्रताप से जगत उनकी पूजा करता है, परंतु एक न एक दिन उनका भी असली स्वरूप जो है सामने आ ही जाता है, उनके भी कपट का भेद अंत में खुल ही जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कालनेमी रावण और राहु के साथ हुआ था। कालनेमी ने राम का भेष बनाकर छल किया था, रावण ने साधु का भेष बनाकर सीता माता का हरण किया था, एवं राहु ने देवताओं का भेष धारण करके छल से अमृत पान करने का प्रयास किया था।
कि यह कुबेश साधु सन्मानु जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहू लोकहु बेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जांबवान और हनुमान जी का हुआ था। बुरे संगति से हानि एवं अच्छी संगति से लाभ, यह बात लोक विदित है और वेदों में भी इसका प्रकरण है।